हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे श्वास उपकेंद्र क्या है, कितनी जनसंख्या पर एक श्वास उपकेंद्र होता है, श्वास उपकेंद्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या क्या होती है, एक प्राथमिक श्वास केंद्र के अंदर कितने उपकेंद्र आता है, एट नेक्स्ट उपकेंद्र के रख रखाव की मुख्य जिम्मेदारी किसे होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है श्वास उपकेंद्र यानी कि हेल्थ सब सेंटर क्या है। श्वास उपकेंद्र गांव स्तर का केंद्र होता है जहाँ से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है। तो इसकी जनसंख्या होती है मैदानी क्षेत्रों में 5,000 और पर्वतीय क्षेत्रों में होती है 3,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या होती है। तो इसमें कार्यरत कर्मियों की संख्या होती है 3, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या होती है 1, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या होती है 1 और एक होती है संख्या वार्ड अटेंडेंट की। नेक्स्ट, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र आता है। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 5 से 6 उपकेंद्र आता है। नेक्स्ट है, उप केंद्र के रख रखाव की मुख्य जिम्मेवारी किसे होती है। तो इसकी मुख्य जिम्मेवारी होती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी फीमेल हेल्थ वर्कर की। ये वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना।